हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर एसएसटी क्लास एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव रीड अ चैप्टर फ्रॉम योर बुक हिस्ट्री एंड दैट वाज इन द अर्लीस्ट सिटीज एंड वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इन आवर टूडेज लेक्चर. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस द प्रोवर्ब और द थॉट ऑफ द डे एंड दैट इज डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन. मीन्स डिफिकल्ट रोड, जितने भी मुश्किल रास्ते क्यों ना हो, हमेशा उनकी मंजिल खूबसूरत या ब्यूटीफुल ही होती है. तो स्टूडेंट, जितने भी मुश्किलें आपके बीच में आती हैं, आपकी पढ़ाई के बीच में आती हैं, उन मुश्किलों से घबराना नहीं है. उनको बड़ा हंस के उन मुश्किलों को आपको क्या उन मुश्किलों का सामना करना है और अपनी जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुँचना है और अपनी डेस्टिनेशन को सुंदर बनाना है. मीन्स आपका जो कल है वो आपके आज पर डिपेंड करता है. स्टडी कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और अपने फ्यूचर को, अपने कल को, टुमारो को बहुत ब्यूटीफुल बनाइए. नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ इन द अर्लियर सिटीज वी हैव रीड अबाउट द हड़प्पन सिटीज. मीन्स जो हड़प्पा सिटी थी उसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से जो इंजीनियर्स थे रेलवे ट्रैक बनाते थे, उन्होंने इस सिटी को वहाँ पर इन्होंने ढूंढा कैसे ये सिटी डेवलप हुई. वहाँ पर जो हड़प्पा सिटी है वहाँ पर मोहनजोदड़ो जो प्लेस है जहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से एक बड़ा टैंक जो ग्रेट बाथ के नाम से वहाँ पर इन्होंने देखा, जिसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई. जो सिटी थी उनकी इनिशियल पार्ट जो था सिटी का, उसमें कंस्ट्रक्शन कैसा किया गया था, किस तरह की बिल्डिंग्स थी और जो उनमें ब्रिक्स यूज़ की गई वो किस तरह की थी, वो काफ़ी मजबूत भी थी. ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी हमारे पीछे वाले पार्ट में, मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर. एंड टुडे वी विल रीड द सेकंड पार्ट एंड इन सेकंड पार्ट वी विल रीड अबाउट द लाइफ इन द सिटी. कि जो सिटी थी उसमें लोगों का जीवन लाइफ कैसी थी. जो लोग थे वो काफ़ी बिजी थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग थे और जो कंस्ट्रक्शन का काम था हमेशा कुछ ना कुछ नया सिटी में होता रहता था. और जो भी कुछ काम होता था वो रूलर के ऑर्डर पे प्लान जो करता था, वो रूलर शासक जो थे, जो किंग्स थे, वो करते थे. उसके बाद न्यू क्राफ्ट इन द सिटी. सिटी में जो क्राफ्ट सिस्टम था, लोगों की जो कलाएं थी वो किस तरह की थी, कौन सा क्राफ्ट था जो लोग यूज़ कर रहे थे अपने काम के लिए, जो वुमेन्स थी उनका काम क्या था, मेन्स थे वो क्या काम करते थे, पार्शली हर एक चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़. जो शहर के लोग थे वो फूड कौन सा खाना खाते थे, कौन से क्रॉप्स जो थे वो ग्रो करते थे. और उसके साथ साथ एनिमल रेयरिंग, जो पशु हैं वो किस तरह के पाले जाते थे उस समय में, कौन कौन से पशुओं को रखा जाता था. एंड आफ्टर दैट द हड़प्पन टाउन इन गुजरात. हड़प्पन टाउन के बारे में, गुजरात में जो टाउन्स थे उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आप आज इस लेक्चर में. एंड स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर reading. Hello now students, we will start our reading of chapter 4 in the earliest cities. As we have already read the story of Harappa and what was special about these cities, ki jo ye city thi Harappa mein, jo city thi isme special kya tha, yahan ka jo interior tha wo kis tarah ka tha, house drains and streets. यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हाउसेस थे यहाँ किस तरह के थे उनमें, और जो ड्रेनिंग सिस्टम था वाटर के लिए वो कैसा था, स्ट्रीट थी वो किस तरह की थी. नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द लाइफ इन द सिटी. मीन्स सिटीज जो थी इनमें लोगों की लाइफ किस तरह की थी, कैसे लोग थे, कैसे रहते थे, उनकी लाइफ, उनका जीवन किस तरह का था. ए हड़प्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. हड़प्पन जो सिटी थी वो काफ़ी बिजी प्लेस था, काफ़ी व्यस्त जगह थी वो. देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी. वहाँ जो लोग थे उनको देख के, मतलब जो वहाँ का जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टडी की और वहाँ पता लगा है कि जो वहाँ के लोग थे वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन में, मीन स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में, प्लानिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड थे. दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स. और उनका कहना है कि ये जो प्लानिंग का काम जो करते थे, हो सकता है ये प्लानिंग के काम करने वाले कौन होते थे, रूलर्स, शासक, जो किंग वहाँ होते थे वही कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग की प्लानिंग का काम करते थे. इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स एंड पीपल्स टू डिस्टैंड लैंडेड टू गेट मेटल, प्रीसियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वॉन्टेड. और उनका कहना है कि देख के ऐसा लगता है कि जो रूलर्स थे वो लोगों को दूसरी डिस्टेंट लैंडेड में, मीन्स
आसपास की जगहों पे भेजते, दूसरी जगह भेजते, कि वो वहां से क्या लेके आएंगे, मेटल्स लेके आएंगे, प्रीसियस स्टोन कीमती पत्थर लेके आएंगे, और उसके अलावा दूसरी चीजें जिनका जिनका उन्हें यूज करना है या जो उन्हें जरूरत पे काम आएंगे। दे मे हैव कैप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व। अब वो क्या करते हैं, उनमें से जो वैल्यूएबल काफी जो कीमती ऑब्जेक्ट होते थे उनको तो अपने पास रख लेते। कीमती ऑब्जेक्ट्स में क्या होते थे, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स। गोल्ड और सिल्वर भी होता था, ब्यूटीफुल बीड्स होती थी। बीड्स क्या होती हैं, मालाएं, जो मोती से माला बनती हैं, दैट इज कॉल्ड बीड्स। एंड देयर वर स्क्राइब्स, और क्या बताया कि वहाँ स्क्राइब्स भी थे, पीपल हु नीव हाउ टू राइट। अब जो स्क्राइब्स थे वो कौन लोग थे, ये वो लोग थे जिनको लिखने के बारे में नॉलेज थे, मीन्स इनको लिखना आता था, दोज पीपल वर कॉल्ड स्क्राइब्स। हु हैड प्रिपेयर्ड द सील्स, जो जिन्होंने सील्स वगैरह प्रिपेयर की, बनाई वहाँ पर, एंड परहैप्स रॉट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव, और उन्होंने दूसरे मटेरियल्स का यूज किया लिखने के लिए, और जिन मटेरियल्स पे उन्होंने लिखा वो मटेरियल अलग होता था। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि ऐसा अभी से वहाँ कोई मटेरियल उनको मिला नहीं, कोई सर्वाइव नहीं कर रहा है कोई मटेरियल, कि उन्होंने किस काइंड का मटेरियल यूज़ किया लिखने में, क्या क्या यूज़ किया और किस चीज़ों पे उन्होंने लिखा, कोई एविडेंस वहाँ पर उन्हें मिला नहीं क्लियर। लेकिन ये सभी उन्होंने स्टडी करके उनकी अपनी जो थिंकिंग थी उस बेस पर इन्होंने बताया है। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन, इसके साथ ही जो सिटी थी उनमें कुछ मैन और वुमेन्स भी थे, एंड क्राफ्ट पर्संस, और क्राफ्ट पर्संस मीन्स जो लोग क्राफ्ट का काम करते थे, कला से, हाथ से जो काम करते थे, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। अब वो लोग क्या करते, कुछ स्पेशल चीजें वहां पर बनाते, और ये बनाने का काम, इन पर जो क्राफ्टिंग का काम था, ये कहाँ करते, या तो अपने ही घरों में और इन स्पेशल वर्कशॉप, या फिर स्पेशल वर्कशॉप में, मीन्स काम करने की उन्होंने एक स्पेशल जगह बनाई होंगी, या तो ये वहां करते क्राफ्ट पर्सन काम, या फिर अपने घरों में ही करते थे। पीपल्स वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। अब जो लोग, जिनको रूलर्स जो थे डिस्टेंस प्लेस पे भेजते थे कुछ काम करने के लिए, कुछ चीजें लाने के लिए, वो लोग जब भी रिटर्न वापस आते वहां से, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल अपने साथ लेके आते, और उसके साथ एक कहानी, एक स्टोरी भी लेके आते। वो स्टोरी अबाउट दैट प्लेस और अबाउट द रॉ मटेरियल्स और हाउ दे गेट द रॉ मटेरियल्स, दैट ऑल थिंग्स एंड मैनी टेराकोटा टॉयज दे हैव फाउंड एंड चिल्ड्रेन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें वहाँ बहुत से टेराकोटा टॉयज भी मिले। अब बात होती है टेराकोटा होता क्या है। टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ क्ले, टेराकोटा क्ले एक टाइप ऑफ मीन्स एक क्ले जैसा ही होता है मटेरियल, और जिससे क्या बनाए जाते थे टॉयज। और इन टॉयज से हो सकता है, इनका कहना है कि वहाँ जो बच्चे होते थे, हरप्पा सिटी के जो बच्चे थे, शायद वो इन्हीं टॉयज को खेलने के लिए उसे करते थे। मेक ए लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेज सच एज मेहरगढ़। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिस्ट आपको तैयार करनी है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जो मेहरगढ़ के विलेजेस में थे, किस तरह से रह रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, अब सिटी में जो क्राफ्ट था, मीन्स जो लोगों की जो कला थी, क्राफ्ट का काम जो करते थे, वो किस तरह का था। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड आर फाउंड इन हरप्पन सिटी। अब ये क्या कह रहा है, आइए एक लुक देखते हैं ऑब्जेक्ट्स की, कि जो हरप्पन सिटी थी वहाँ जो पाए गए वो ऑब्जेक्ट्स कैसे थे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव फाउंड बाई आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सील एंड मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये क्या कह रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि जितने भी मटेरियल उन्हें मिला, जो भी चीज़ें उन्होंने देखी, जो वहाँ पर उन्हें एविडेंस मिले, उनके बेस पे उन्होंने देखा कि मोस्टली चीज़ें बनी हुई थी वहाँ पर, वो स्टोन की बनी थी, सिल थी, मेटल्स थे, इसके अलावा जो मेटल्स में इंक्लूड था कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर भी था। कॉपर्स एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, जब कॉपर और ब्रॉन्ज था उसका यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, उनके औजार बनाने के लिए, वेपन्स, हथियार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, आभूषण एंड वेसल्स, बर्तन। नाउ गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। अब जो गोल्ड और सिल्वर था उसका मेनली यूज किया जाता ऑर्नामेंट्स, उनकी जो ज्वेलरी थी, आभूषण थे, उनको बनाने के लिए और कुछ वेसल्स बनाने के लिए। परहैप्स द मोस्ट ट्रिकिंग फाइंड द मोस्ट दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। वहाँ जो चीज़ें उन्हें देखने को मिली
वो उनमें थी कुछ बीड्स, जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने वहाँ जो चीज़ें देखी, जो चीज़ें उन्हें वहाँ मिली, उन चीज़ों में उनके पास क्या था, उनके पास था कि जो इसमें देखिए आपको पिक्चर जो है उसमें यहाँ पर दिखाया हुआ है कि देखिए किस तरह की बीड्स वहाँ उनको देखने को मिली, कुछ ब्लेड्स भी थे जो उन्हें वहाँ पर मिले. तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग दैट आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड देयर, पिक्चर में ही आपको दिखाया गया इन सब चीज़ों के बारे में. नाउ द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर. अब जो हरप्पन्स थे उन्हें वहाँ कुछ सील्स भी मिली जो कि मोस्टली किस पे बनाई हुई थी, स्टोन्स पे बनाई हुई थी. एंड दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, और क्या कहा गया कि मोस्टली जो सील्स थी वो कैसे साइज की थी, रेक्टेंगुलर थी शेप में. एंड यूजली हैव एनिमल कर्व ऑन दैम, और उनके ऊपर क्या होता था, एनिमल कर्व मीन्स एनिमल्स जो थे उनकी पिक्चर को भी शायद उसके ऊपर बनाया जाता. द हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइन सच एज वन ऑफ शोन इन पेज नंबर 6. ऑन पेज नंबर 6 अभी क्या कह रहा है, वहाँ पर सुंदर जो ब्यूटीफुल पॉट्स थे वो भी डिज़ाइन किए जाते थे, और इसके अलावा जो पॉट्स थे उन पर ब्लैक डिज़ाइन बहुत ही सुंदर था. इनमें से एक जो पॉट है उसकी पिक्चर आपको पेज नंबर 6 पे भी दिखाई गई है. वाज मेटल यूज्ड इन द विलेजेस व यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 3. अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था मेटल्स की, भाई किस तरह के वहाँ पर जो विलेजेस में थे मेटल यूज इन विलेजेस, यू लर्न अबाउट कौन कौन से मेटल यूज किए गए जो विलेज में यूज किए जाते थे. एंड वाज स्टोन यूज टू मेक वेट्स, अब जो स्टोन जो था वहाँ पर वो भी क्या यूज किया गया था, मीन्स जो पीछे वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह के मेटल्स का यूज किया गया, और अब हम पढ़ रहे हैं कि आगे और क्या क्या फर्दर यूजेस हुए, कुछ नई चीजें नए मेटल्स जो यूज किए. कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो. अब आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि कॉटन भी वहां पर ग्रोन किया जाता था मेहरगढ़ की जगह पे, आज से मतलब जब से वो बता रहे हैं उसे 7000 ईयर्स अगो, 7000 साल पहले. एक्चुअली पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ ए सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो. अब जो वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें मोहनजोदड़ो में एक एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ, एक क्लॉथ का टुकड़ा, एक एक्चुअल पीस मीन्स कपड़े का एक टुकड़ा मिला जो वॉस सिल्वर वॉस के साथ था. तो उससे जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने पता लगाया कि जो कपड़ा है वो 7000 साल पहले की पुरानी कॉटन से तैयार किया गया है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पाइंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइनस. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें वो टेराकोटा से मिली, और गम का यूज करके बनाई हुई कुछ चीजें और मिली थी. दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, और जो फाइनस वगैरह थी इनका यूज, जो फाइंस ये क्या होता था, फाइंस होता था एक तरह का गम होता था जिसका यूज किया जाता था स्पिन थ्रेड वगैरह को स्पिन करने के लिए, उसे काटने के लिए, उस थ्रेड तैयार करने के लिए. मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट. अब बहुत सी जो चीजें थी वहाँ प्रोड्यूस की जाती, जो चीजें वहाँ तैयार की जाती, मोस्टली उन चीजों को करने का काम स्पेशलिस्ट का, मीन्स जो लोग अपने आप में फुलफिल होते थे, जो कंप्लीट होते थे, वेल नोन होते थे, उन्हीं का काम था, जिन चीज़ों उन जिस काम को करने में स्पेशलिस्ट में उन्हें अनुभव है वही लोग काम करते थे. ए स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन टू बी ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कर्विंग सील्स. अभी क्या करें, स्पेशलिस्ट पर्सन वो कोई भी हो सकते थे लेकिन वो अपने काम में पूरी तरह से ट्रेंड होते थे. जैसे अगर स्टोन कटिंग का काम है तो स्पेशलिस्ट लोग ही करते, उन्हें पता है कैसे स्टोन काटे जाते हैं. उसके बाद पॉलिशिंग बीड्स, जो मालाएं थी, मोती थी, उनको पॉलिश करने का काम, कर्विंग सील्स को कर्व करने का काम, उनको तैयार करने का काम. लुक एट द इलस्ट्रेशन एट सी हाउ वेल द फेस इज कर्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शॉर्न. अब ये क्या कह रहा है, देखिए पीछे हमने पेज में एक पिक्चर देखी थी कि देखो यहाँ पर एक आपको दिखाया गया है एक पिक्चर, एक जिसमें आदमी है उसको देखो कितने एम्ब्रॉयडरी से कपड़े अच्छे से पहनाए गए हैं, उसके बाद उसकी जो बियर्ड है उसको कितने अच्छे से कर्व किया गया है. तो ये कह रहा है कि भाई इस तरह से जो चीज़ें थी ये काम कौन कर सकता है, कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है इतना अच्छे से सफाई से काम. नाउ दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, भाई ये इतना अच्छा काम तो कोई एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ही कर सकता है.
नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट. अब ये क्या कह रहा है, कोई हर कोई तो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है. वी डोंट नो वेदर वन ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट. उन्हें नहीं पता है कि मैन स्पेशलिस्ट है इस काम में या वुमेन्स है. परहैप्स सम वुमेन्स एंड मैन दे मे हैव बीन स्पेशलिस्ट. कोई ना कोई तो है स्पेशलिस्ट, चाहे वो मैंस भी हो सकते हैं वुमेन्स भी हो सकते हैं. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. अब जो रॉ मटेरियल था उनको काम कराने के लिए, जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते थे उनके लिए रॉ मटेरियल उन्होंने कैसे सर्च किया, कैसे ढूंढा. रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स. अब जो रॉ मटेरियल था वो कैसे, मतलब उसमें कुछ भी इंक्लूड, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है जो कि हमें नेचुरली मिलता है एनवायरमेंट से या प्रकृति से. और जो रॉ मटेरियल था उन्हें नेचुरली भी मिलता है. इसके अलावा जो फार्मर थे, हर्डर्स थे, जो एनिमल्स रेयरिंग का काम करते थे, उन सभी के पास से भी रॉ मटेरियल मिलता. दीज आर देन प्रोड्यूस टू ना सॉरी प्रोसीड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स. अब उस रॉ मटेरियल से ही ये क्या करते, प्रोसेस करके उस रॉ मटेरियल को यूज करके ये लोग फिनिश प्रोडक्ट भी तैयार करते. फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसीड टू मेक क्लॉथ. अब जो अगर बात करते हैं नेचुरल एक किसकी, इन्होंने बात की एक प्रोडक्ट की, एक रॉ मटेरियल है जिसका एग्जांपल लिया है कॉटन. अब कॉटन जो है फार्मर उसे ग्रो करता है, फार्मर प्रोड्यूस करता है और उसी रॉ मटेरियल का यूज करके अब क्या प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, क्या प्रोड्यूस किया जाता है, क्लोथ्स, कपड़े. वाइल सम ऑफ रॉ मटेरियल दैट द हरप्पन यूज्ड वर अवेलेबल लोकली मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीसियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस. और हरप्पन टाइम में जो चीज़ें, जो इन्होंने जितने भी रॉ मटेरियल लेके आए, आइटम्स लेके आए, जैसे कॉपर था, टीन था, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस स्टोन, इन सभी को लोग दूसरी जगह से, काफ़ी लंबी जगह से, हरप्पा सिटी के अलावा दूसरी प्लेसेस से इन्हें लेके आते. द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान. अब जो कॉपर था वो मिलता इनको राजस्थान से, जो आज के समय में राजस्थान है, एंड इवन फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया के ओमन से कॉपर लेके आते. टीन विच वॉज मिक्स विद कॉपर और प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे बी हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. और जो टीन था वो ये ले पर, जो टीन था वो लेके आते ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान की जगहों से. एंड गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका. और इनका कहना है कि जो गोल्ड था वो हो सकता है उसको कहाँ से लेके आया जाता था, कर्नाटका से. एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. और जितने भी कीमती पत्थर जो प्रीसियस स्टोन थे वो लेके आए जाते थे गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से. Now we will read about the food for people in the cities. अब जो cities थी इनमें food, जो लोगों के लिए food था वो कैसा था. While many people lived in the cities, other living in countryside grew crops and reared animals. अब जो भी लोग जो cities में रहते थे, इसके अलावा countryside में means जो towns थे या country के inside में रहते थे, वो लोगों का काम क्या था, grow crops. वो crops उगाते, reared animal, पशु पालते थे. And these farmers and herders supplied food to craft persons. अब ये farmer जो थे, जो herder, जो animals रखते थे, अब इनका ये क्या करते थे, इनके पास जो भी product होता food, ये किनको supply करते थे, दूसरे craft persons को, जो लोग दूसरा काम करते थे. Means अगर ये return में उनसे कुछ चाहिए, उनकी help से जो भी काम इनको चाहिए था return में, ये उनको क्या करते, या तो कुछ क्रॉप्स वगैरह देते, या फिर जो एनिमल्स से, जो इनको पशुओं से जो चीज़ें मिलती हैं ये उनको बदले में देते हैं. वो क्राफ्ट पर्सन्स थे, स्क्राइब्स थे जो लिखने का काम करते थे. एंड रूलर्स ऑफ द सिटी, जो सिटीज थे, जो उनके राजा थे, जो शासक थे, उन सभी को. वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हरप्पन्स ग्रीव वीट, बेली, पल्सेस, पीज एंड राइस, सीसेम, लिनसीड एंड मस्टर्ड. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने देखा जो वहाँ पर उन्हें जो रिमेन्स मिले हैं प्लांट्स की, उनके बेस पे उन्होंने बताया जो लोग थे मोस्टली वहाँ कौन कौन से क्रॉप्स यूज़ कर रहे थे. वो थे वीट, बेरली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसेम एंड लाइन सीड्स एंड मस्टर्ड. ए न्यू टूल द
the plug was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. अब उसी टाइम पे वहाँ एक टूल और देखा गया जिसका यूज वो क्या किसके लिए प्लगिंग के लिए मीन्स जुताई के लिए मिट्टी को काटने के लिए करते थे और उसका यूज किया जाता था सॉइल को टर्न करने के लिए सीड्स को ग्रो करने के लिए. वाइल रियल प्लगिंग विच आर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड. हालांकि इनका कहना है कि फिलहाल उन्हें कोई वुड से सर्वाइव मीन्स बना हुआ कुछ ऐसा प्लग कोई हल वहां उन्हें नहीं मिला लकड़ी से बनाया हुआ. टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड. सिर्फ उन्हें टॉय मॉडल मिला एक छोटा सा खिलौने के रूप में वहाँ एक मॉडल मिला. एक्चुअल में वहाँ किसी तरह का कोई हल वगैरह में लकड़ी का मिला नहीं दिखाई दिया. एज दिस रीजन डिड नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव यूज. वहाँ पर कोई ज़्यादा बारिश नहीं होती थी हो सकता है इरीगेशन के लिए सिंचाई के लिए वहाँ के लोग जो थे वो कुछ और मेथड यूज करते थे. दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू बी द फील्ड टू फील्ड्स विद वैन द प्लांट्स वर ग्रोइंग. अब हो सकता है ये क्या कह रहे पानी को पहले स्टोर किया जाता होगा कहीं और उसके बाद उस पानी की सप्लाई की जाती होगी फील्ड्स में. द हरप्पन्स रेयर्ड कैटल शीप गोट एंड बफेलो वाटर एंड पेस्टोर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स. हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर. अब वहाँ जो लोग थे वो मोस्टली किनकी रेयरिंग करते थे क्या पालते थे शिप गॉट और बफेलोस. और जब वहाँ पर बारिश नहीं होती थी या उन्हें खाने की जरूरत पड़ती थी पशुओं को तो वो अपने पशुओं को लेकर घास और पानी की तलाश के लिए अपने पूरे ग्रुप एनिमल्स ग्रुप को लेकर कहीं दूर निकल जाते. दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर कॉच फिश हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटीलॉप. अब वो लोग क्या करते बेर वगैरह भी लेते वहाँ से बेर भी जो थे वो उनके लिए वहाँ वाले कलेक्ट करते अपने लिए मछलियाँ पकड़ते. इसके अलावा एंटीलोप जैसे दूसरे एनिमल्स का भी लोग शिकार करते थे. ए क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात. अब जो गुजरात का जो हरप्पन टाउन थे गुजरात में उसके क्लोजर लुक के बारे में बता रहा है कि उसके पास से जानते हैं क्या क्या है. द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादेर बेट. अब जो धोलावीरा थी जो एक सिटी थी वो खादेर बेट में लोकेट थी वहाँ पर स्थित थी. इन द रन ऑफ कच जो कि रन ऑफ कच में था वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. वहाँ फ्रेश वाटर भी मिलता था फर्टाइल सॉइल मिट्टी जो थी वो काफ़ी उपजाऊ भी थी वहाँ पर. अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटी विच वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंस थ्रो गेटवेज. अब वहाँ जितनी भी सिटीज थी उनके चारों तरफ ऊंची ऊंची स्टोन वॉल भी तैयार करवाई गई और स्टोन वॉल के साथ साथ वहाँ एक एंट्रेंस के लिए एक छोटा सा गेट भी एक अलग से गेट का रास्ता भी छोड़ा जाता है आने जाने के लिए. देर वर ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड. वहाँ एक बड़ा सा ओपन एरिया भी तैयार किया गया जिसमें पब्लिक सेरेमनीज का मतलब है कोई प्रोग्राम है फंक्शन है मैरिजेज है एंड अदर सेलिब्रेशंस कोई दूसरे जो सेलिब्रेशन है वो सभी उसी जगह में होते थे. अदर फाइंड्स इंक्लूड्स लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड. दिस इज यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स. अब इन्हें वहाँ कुछ एक लेटर्स भी मिले जो कि स्टोन्स वगैरह पे भी कुछ लिखा था और उसके अलावा उन्होंने देखा कि रिटर्न जो था हरप्पन क्रैटिंग में जो काम था मोस्टली किस पे किया जाता था सेल्स पे किया जाता था. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात. अब जो सिटी थी लोथल वो साबरमती की ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है स्मॉल रिवर्स जो सहायक नदियां होती हैं. अब ये क्या कह रहा है कि जो साबरमती के ट्राइब्यूटरी थी उस पर लोथल जो सिटी था वो था और जो साबर ये कहाँ पर था गुजरात में क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात जो खंबात की खाड़ी था उसके बिल्कुल पास में. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मेटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल एंड दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन सील एंड मेटल. ये ऐसी जगह थी जहाँ पर प्रीसियस स्टोन और मेटल्स वगैरह मिलते थे आसानी से और इसके अलावा जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स थे जो तैयार किए जाते स्टील और मेटल और स्टोन से बनी हुई चीजें उनके लिए इसको मेन सेंटर माना जाता था. देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी. जो सिटी थी उसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा एक स्टोर हाउस भी था जहाँ सामान को स्टोर करके रखा जाता था. मैनी सील्स एंड सीलिंग
वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। उस स्टोर हाउस में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें काफ़ी सील्स भी मिली, सीलिंग भी मिली वहाँ पर तैयार। ए बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली ए वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश बीड्स हैव बीन फाउंड हेयर। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने जब उस बिल्डिंग में देखा, उन्होंने पाया कि वहाँ वर्कशॉप जो थी उसमें का बीड्स मालाएं मिली, पीस ऑफ स्टोन पत्थर के टुकड़े मिले, हाफ मेड बीड्स कुछ मालाएं थी जो आधी बन चुकी थी, जो मालाएं थी उनको बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से टूल यूज वो करते थे, इसके अलावा जो मालाएं कंप्लीट हो चुकी थी वही सभी उन्हें वर्कशॉप में आर्कियोलॉजिस्ट को वर्कशॉप में वहाँ पर रिमेन्स के रूप में वहाँ पर मिली थी। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अभी क्या पढ़ा हमने अब तक भी, हरप्पन जो सिटी थी उसकी शुरुआत 47 ईयर्स एगो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि हुई थी शुरुआत में, एस्टेब्लिश ये हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे इनका जो कल्चर कैसा था, इनकी लाइफ कैसी थी, लोग कैसे रह रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, उनका क्राफ्ट वर्क क्या था। अब यहाँ पर जो सिटीज थी उनका एंड किस तरह की, जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था इनके एंड का, वो क्या था। एक मिस्ट्री है, मतलब इसके लिए कोई क्लियर एविडेंस नहीं था कि जो एंड था वो किस तरह से हुआ। अराउंड 39 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ ए मेजर चेंज। पीपल स्टूड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, राइटिंग सेल्स एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज। अब 39 ईयर अगो इन्होंने देखा कि भाई मेजर सिटीज थे वो बिगनिंग, उसमें मेजर सिटी थोड़े बड़े जो मुख्य शहर थे उनकी स्टार्टिंग हो गई। पीपल स्टूड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, अब जो लोग थे उन्होंने इन सिटीज में रहना बंद कर दिया। राइटिंग सील एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज, अब ना तो राइटिंग्स का काम सील्स पे किया जाता, दूसरे काम भी धीरे धीरे बंद हो गए। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, अब जो दूसरे जगहों से लोग रॉ मटेरियल लेके आते थे वो भी एकदम कम हो गया। इन मोहनजोदड़ो वी फाउंड दैट गार्बेज पिल अप ऑन द स्ट्रीट। मोहनजोदड़ो में देखा इन्होंने कि जगह जगह पर गार्बेज कूड़े के ढेर पिल जो थे वो इकट्ठे थे गलियों में। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रॉक डाउन, जो ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पा में वो सभी टूट चुका था। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स, और नए घर भी बन रहे थे लेकिन इतने इम्प्रेसिव वो नहीं थे गलियों के साइड में। वाई डिड ऑल दैट हैपन, ये सब क्यों हुआ। भाई लोग जो थे पहले बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, धीरे धीरे काम भी बंद हो गया, लोगों ने दूसरी जगह जाना बंद कर दिया, धीरे धीरे वहाँ पर मटेरियल की कमी आ गई। अभी पूछ रहे भी ऐसा क्यों हुआ या फिर कैसे हुआ। वी आर नॉट श्योर, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई स्पेशल एविडेंस वहाँ पर नहीं मिला, कुछ क्लियर नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, कुछ का कहना है कि जिस रिवर के किनारे पे वो लोग सभी रह रहे थे वो रिवर सूख गई होगी। अदर सजेस्ट दैट दे वर डिफोरेस्टेशन, कुछ ने सजेस्ट किया वहाँ डिफोरेस्टेशन हो गया, मीन्स जो ट्रीज थे उनकी कटिंग हो गई, अब लोगों को सर्वाइवल के लिए वहाँ नहीं मिला कुछ भी, तो शायद वो सिटीज एकदम खत्म हो गई। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर द बेकिंग ब्रिक्स, अब कुछ का कहना है कि वहाँ ब्रिक्स बेकिंग के लिए जो फ्यूल था वो लोगों को नहीं मिला, अब लोगों ने घर बनाने बंद कर दिए। एंड फोर स्मेल्टिंग कॉपर ऑर्स, और जो कॉपर और जितने भी मेटल था जो वो यूज करते थे ऑर्नामेंट्स बनाने में, वेसल्स बनाने में, उसको मेल्ट करने के लिए, स्मेल्टिंग उसको स्मेल्ट करने के लिए, अब उनके पास कोई भी स्मेल्टिंग के लिए कोई भी फ्यूल नहीं था। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, शिप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, उन्होंने कहा कि जो कैटल्स वगैरह जो चलते थे वो पूरा ग्रीन कवर उनका एकदम खत्म हो चुका था, मीन्स वो ग्रीनरी जो घास वगैरह थी वो नहीं बची। या फिर हो सकता है वहाँ कुछ फ्लड्स मीन्स बाढ़ वगैरह भी आ गई थी। बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज, लेकिन कोई भी ऐसा मीन्स कोई भी परफेक्ट कोई भी सही एविडेंस किसी भी तरह का कोई कारण इनके सामने नहीं था कि जो सिटीज थी वो कैसे कंप्लीट हुई या फिर जो सिटी थी वो कैसे खत्म हो गई। नाउ फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, अभी क्या करें जो फ्लडिंग का था रिवर जो सूख गई थी इस तरह का इफेक्ट उन्होंने कुछ ही एरिया में देखा या देखने को उन्हें मिला। इट अपेयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, और देखने में ये भी लगता है कि शायद जो रूलर्स थे जो शासक थे उनका जो कंट्रोल था उनका जो शासन था या उनका कंट्रोल था वहाँ के पीपल्स पे वो भी शायद कम हो गया था। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर एबडॉन्ड वाइल मैनी पीपल्स मूव्ड इन टू न्यूअर
smaller settlement to the east and the south. New cities emerged about 1400 year later. You will read about them in chapter 6 and 9. अभी क्या कह रहा है कि जो चेंज थे उन्होंने जो वहां पर देखे वो मोस्टली कहां पर देखे, सिंध की साइड पे जो कि वेस्ट बंगाल में था. यहाँ तक कि लोगों ने नए शहरों में भी मूव करना शुरू कर दिया. स्मॉलर सेटलमेंट करनी मतलब स्मॉलर छोटे छोटे सेटलमेंट्स करनी शुरू कर दी ईस्ट और साउथ के एरिया में. और इसके बाद ये क्या कह रहा है, जो नई सिटीज जो अमर्ज हुई 1400 ईयर्स के बाद, इन सब सिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 और 9 में. नाउ स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. नाउ आई होप यू इंजॉय दिस स्टोरी ऑफ द अर्लियर सिटीज. और आपको मुझे लगता है कि काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी जो अर्लियर सिटी थी उनके बारे में, कि भाई कैसे लोग वहाँ रहते थे, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल था, क्या काम करते थे. एंड यू विल रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड फाइंड आउट दैट हाउ पीपल्स वर सर्वाइव इन दैट टाइम. तो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे अभी, बहुत अच्छे से इस चैप्टर के रीडिंग करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन दैट आर गिवन इन योर एक्सरसाइज. नाउ वी विल meet again in our next video. So keep